आप सब जानते हैं सुपरस्टार संगत 3 की शूटिंग हो चुकी है, अगले एपिसोड की पूरी तैयारी हो चुकी है और हमारे सामने अब टीजर आने लगे हैं, वीडियोस हमारे सामने देखने लगी हैं। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं कि शो में चल क्या रहा है, होना क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि इस वीकेंड में इवेक्शन होना तय है, क्योंकि भाई 2 वीकेंड से इवेक्शन नहीं हुए हैं, तो अब जाके इवेक्शन जरूर होगा। पिछले वीकेंड के एपिसोड में आपने देखा कि भैया मदर स्पेशल एपिसोड बनाया गया, उससे पहले जो एपिसोड था उसमें सभी कैप्टन ने अपने एक कंटेस्टेंट के साथ में ड्यूट परफॉर्मेंस भी दी थी और फिर हमें ग्रुप परफॉर्मेंस मिली थी। मगर इस वीकेंड कुछ अलग होने वाला है। इस वीकेंड जो गेस्ट आने वाले हैं, भाई सबसे बड़ी चीज़ ऋचा शर्मा, जो हमें इंडिया आइडल में नहीं दिखी थी इस बार, लेकिन हमें सुपरस्टार सिंगर 3 में जरूर दिखने वाली हैं। और उनकी हमें वो बड़ी लंबे स्वरों वाली आवाज़ देखने के लिए मिलेगी ऋचा शर्मा की। वो भाई वो मैम हैं ही ऐसी कि भाई उनकी आवाज़ सुनने के लिए हर कोई तड़पता है। एक से एक गाने उन्होंने दिए हैं बॉलीवुड के लिए, वो हमें इस बार मिलेंगी सुपरस्टार सिंगर 3 में। तो साथ में आने वाली हैं जाह्नवी कपूर, जो अपनी माही मूवी का प्रमोशन करेंगी। और सबसे बड़ी चीज़, सुपरस्टार सिंगर 2 के विनर, जिसका मेरे को खुद पता नहीं था एक समय तक तो कि भाई आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मगर बाद में पता लगा कि भैया मोहम्मद फैज भी आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मोहम्मद फैज के लिए और आप सबके लिए कि मोहम्मद फैज अब कोई सुपरस्टार सिंगर शो के विनर नहीं, बल्कि बॉलीवुड में काम करने वाले अब एक स्टार्स बन चुके हैं। क्योंकि भाई माही मूवी में इनको एक सॉन्ग करने के लिए मौका दिया गया, वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा हिट भी जा रहा है। जी हाँ, एक सॉन्ग उन्होंने किया है माही मूवी में और वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और उसी सॉन्ग के प्रमोशन के साथ ही आए हैं, मतलब यहाँ पे। हालांकि मूवी का प्रमोशन समझ लो या फिर सॉन्ग का प्रमोशन समझ लो, मोहम्मद फैज सुपरस्टार सिंगर 3 में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं। हमें इससे पहले भी दिखे थे 2 वीकेंड पहले, और अब जाके मोहम्मद फैज एक बार फिर से शो में देखने वाले हैं। भाई आपको पता ही है कि इस बार कव्वाली एपिसोड शूट किया गया है, तो भाई एक दिन कव्वाली है, एक दिन नॉर्मल शो की तरह है, तो भाई दूसरे दिन जो होगा वो कव्वाली एपिसोड होगा, वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार। अब ये सुपरस्टार सिंगर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से दिन कौन सा शो रखेंगे, ये अपन नहीं कर सकते अभी से। मगर यही कहूँगा कि भाई जो कव्वाली एपिसोड है, इसमें हमें देखने के लिए मिलेगा कि भाई जितने भी कैप्टन हैं वो अपने अपने कंटेस्टेंट के साथ में ड्यूट परफॉर्मेंस देंगे, कव्वाली परफॉर्मेंस देंगे, और फिर हमें एक ग्रुप परफॉर्मेंस भी मिलने वाली है, एक नहीं दो दो ग्रुप परफॉर्मेंस मिलेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इस वीकेंड, क्योंकि भाई काफ़ी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है इविक्शन, तो कौन जाएगा बाहर, क्योंकि भाई 2 वीकेंड से इविक्शन नहीं किए जा रहे हैं। और जब 2 वीकेंड से इविक्शन नहीं होते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो समस्या होती है। और साथ में इन सुपरस्टार सिंगर भी कहीं ना कहीं अपने पड़ाव की ओर बढ़ चुका है, 17-18 एपिसोड हो चुके हैं, 10-12 एपिसोड और भी आने बाकी हैं, और फिर जाके शो को समाप्त कर दिया जाएगा। क्योंकि भाई मिनिमम 125-30 एपिसोड ही देता, ज़्यादा नहीं देता। हालांकि 25-30 एपिसोड देने भी बहुत बड़ी बात होती है, मिनिमम 15 वीकेंड चलता है, यानी कि 30 एपिसोड के चांस बनते हैं। तो भाई 30 एपिसोड में 15 वीकेंड, यानी कि 105 दिन, 115 दिन इसी आसपास एक वो बना रहता है। क्योंकि इसके बाद इंडिया बेस्ट डांस के ऑडिशन हो रहे हैं, तो हमें 1-1.5 महीने बाद हमें वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि अपने आखिरी पड़ाव पे, तो जल्दी से आज वीकेंड इवेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं। और फिलहाल आपको क्या लगता है कि कौन सा कंडीशन आपके हिसाब से बाहर जाएगा? मेरे हिसाब से तो भाई सभी के सभी बेस्ट हैं, अभी और अपडेट मेरे पास है नहीं तो मैं कुछ नहीं कहूँगा अभी, मगर आपके हिसाब से कौन बाहर जा सकता है उसके बारे में कमेंट जरूर मार दो। और सबसे बड़ी चीज़, जाह्नवी कपूर को लेकर कौन कौन एक्साइटेड है? मोहम्मद फैज को लेकर तो बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, मेरे को कमेंट बॉक्स में आ ही चुके हैं, क्योंकि मैंने वीडियो डाला था मोहम्मद फैज के आने का। और ऋचा शर्मा, इनके लिए तो मैं खुद पर्सनली एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं इस वीकेंड क्या मज़ा आता है। बाकी आपको क्या लगता है कि इस वीकेंड कव्वाली एपिसोड सबसे बेस्ट होगा, या फिर उससे पहले दिन जो शूट किया गया था वो सबसे बेस्ट होगा? कौन सा एपिसोड आपके लिए ज़्यादा फेवरेट रहेगा? कौन सा एपिसोड के सिंगिंग के लिए आप इंतजार करेंगे? कमेंट जरूर मार दो ठोक के। बाकी मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो के साथ।